अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, ये सुनकर आप भी हैरान होंगे, सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन आपको बता दे कि मानो तो पत्थर भी भगवान है और ना मानो तो एक पत्थर, ये एक कहावत नहीं बल्कि सच है। क्योंकि अगर रात है तो दिन है, बारिश है तो आग है, आसमान है तो जमीन है, भगवान है तो भूत प्रेत है, महाभारत है तो उसमें लिखा गया भगवान श्री कृष्ण का सार भी है, और यहाँ पर अश्वत्थामा भी है जो 5000 सालों से जिंदा है। वैसे तो महाभारत से जुड़ी कई कहानियां हैं जो बेहद ही दिलचस्प है, लेकिन इन सभी में सबसे हैरान करने वाली कहानी और सच्चाई है अश्वत्थामा की। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं जहां पर कहा जाता है कि श्री कृष्ण के एक श्राप की वजह से अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। यहां पर सिर्फ यही नहीं बल्कि कलयुग के कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा भी किया है, जिनका कहना है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असिरगढ़ के किले का संबंध बीते महाभारत काल से बताया जाता है। किसी किले में स्थित है एक शिव मंदिर जिसमें हर रोज अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं, और इसी शिव मंदिर में रोज सुबह ताजे फूल, जल और रोली चढ़े हुए भी पाए जाते हैं। बता दें कि इस शिव मंदिर को गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से श्री कृष्ण को देना पड़ा था अश्वत्थामा को श्राप जिंदगी भर भटकने का। बता दें कि कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन मौत की कगार पर खड़ा था तो उसने अश्वत्थामा को अपना आखिरी सेनापति बनाया था। अश्वत्थामा ने इसके बाद धोखेबाजी से पांडवों के शिविर रात के अंधेरे में प्रवेश किया और पांडवों के पांचों पुत्र का सिर काटकर वो ले आया था। अश्वत्थामा को लगा कि उसने पांडवों को मार दिया है, हालांकि उसे गलती का एहसास हुआ, लेकिन द्रोण की मृत्यु से विचलित अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, और उसे चलाने के बाद वो कहीं जाकर छिप गया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ढूंढा। और यहाँ पर अश्वत्थामा को ढूंढने के बाद उसके माथे में छिपी मणि को निकालने के लिए अश्वत्थामा को मजबूर किया। इसकी मदद से श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की संतान की रक्षा की। साथ ही श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इस पाप के लिए युगों युगों तक पृथ्वी पर भटके रहने का श्राप दे दिया। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो सच में आज भी जिंदा है अश्वत्थामा, जो कर रहा है भगवान शिव की पूजा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। नेक्स्ट लाइन में इनकी रिपोर्ट।